हेलो एवरीवन अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू बेटा आई होप सब बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं एंड अपनी सारी क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं टाइम टू टाइम बेटा आज हम एक और फैमिली कवर करेंगे विच इज़ लिली एसी फैमिली इसको हम ख़त्म कर देंगे जितने सुंदर सुंदर लिली के फ्लावर्स होते हैं ना अच्छा आपने देखा होगा कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिलीज़ होते हैं अलग 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 कलर के होते हैं वाटर लिली अफ्रीकन लिली पीस लिली पीस लिली का बड़ा फैशन है मतलब आई रिमेम्बर मतलब पीस लिली मेरे घर पे है एंड माई मदर ईगरली वॉन्टेड कि वो पीस लिली वाला फ्लावर तो वो मतलब ये सारे के सारे जो फ्लावर्स होते हैं ना ये ऑर्नामेंटल जिसको सुंदर सुंदर तरीके से सजाया जाता है बेटा ये सब इसी फैमिली के होते हैं इट इज़ अ लिली फैमिली एंड यू नो वॉट जो हम खाते हैं चीज़ें क्या लहसुन दैट इज़ योर गार्लिक जिंजर अरबी कोलोकेशिया में जो कॉम्स बनते हैं मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ जैसे आपको बल्ब खाते हो ना अनियन के बल्ब गार्लिक के बल्ब खाते हो बेटा उसके अलावा ये जिंजर हो गया ये सारी की सारी चीज़ें कौन देता है दिस फैमिली तो दिस फैमिली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो इसको हम आज अच्छे से पढ़ेंगे लास्ट क्लास में बेटा हमने सोलिन कंप्लीट किया था तो so, पहले आपके पास दो क्वेश्चन आएंगे जिसके आपको राइट right आंसर करने हैं एंड द क्वेश्चन नंबर वन इज़ ऑन द स्क्रीन विच फ्लोरल कंडीशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मल सिंबल बेटा कौन से सिग्मल uh, कौन से ये बोल रहा है कि रिप्रेजेंट करता है ये देखो ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा बेटा ये इस तरीके से है और ये वाला सिम्बल ये क्या रिप्रेजेंट करता है जल्दी बताएंगे अगला क्वेश्चन देख लो ट कैलिक्स इज द कैरेक्टर ऑफ प्लांट बिलोंगिंग टू विच फैमिली बिट ऐसे कौन से फ्लावर्स हैं कौन सी फैमिली है जिसके अंदर कैलिक्स परसिस्ट करता है जल्दी बताएंगे वेरी इंपॉर्टेंट ऑल राइट एंड वेरी इजी ऑल्सो चलो बेटा तो पहला क्वेश्चन ये था अभी ये देखो ये क्या बताता है ये बताता है कि प्लांट फ्लावर की सिमेट्री कैसी है तो इसका आंसर मैक्सिमम बच्चों ने बेटा बिल्कुल सही दिया है आपका जो आंसर है दैट इज ये वाला बेटा एक्टिनोमॉर्फिक जो कि रेडियल सिमेट्री दिखाता है और ये बेटा जाइगोमॉर्फिक होता है इसी को कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं या फिर परसेंटेज का साइन बना होता है तो ये जाइगोमॉर्फिक होता है तो पहला हो गया एक्टिनोमॉर्फिक और दूसरा हो गया जाइगोमॉर्फिक तो ऑप्शन

तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये लिली वाली फैमिली है जो सुंदर सुंदर हमको फ्लावर दिखते हैं बेटा वो इसी फैमिली के होते हैं क्या है वेरी इंपॉर्टेंट डीज आर मोनोकॉड्स बेटा मोनोकॉड्स होते हैं तो इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी डायकॉड्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है अगर यहाँ पे होगी तो बेटा एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी मोनोकॉड्स के अंदर बेटा पैरल वेनेशन होंगे बट देयर आर सर्टन प्लांट जिसके अंदर आपको रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलेगी तो यहाँ पे पैरल वेनेशन होगी दो चीज़ तो मुझको यहाँ पे पता लग गई बेटा दिस इज दी फैमिली ले लिए इसका ऐसा जो है क्या है यहाँ पे मुझको क्या दिख रहा है फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम मैंने आपको बताया है बेटा फ्लोरल डायग्राम इज़ इम्पॉर्टेंट बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत आ रही है बट मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगी एक बार हम सारी फैमिलीज़ के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर फ्लोरल डायग्राम को समझ ले फिर हम उसको बनाना भी सीख लेंगे ठीक है उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो देखो बेटा यहाँ पे आपको बहुत कुछ पता लग रहा है ये यह यहाँ पे बी आर है इसका मतलब इन फ्लावर्स के अंदर ब्रैक्ट्स होंगे दीज मस्ट बी ब्रैक्टिएट ये बेटा देखो क्या है ये कौन सी कंडीशन है ये जयगोमॉर्फ एक्टीनोमार्फिक कंडीशन है तो यहीं से आपको पता लग गया है कि ये एक्टिनोमार्फिक है ये बेटा बायसेक्शुअल होंगे इसके फ्लावर्स बायोसेक्सुअल है तभी एंड्रोशियम और गाइनोशियम अलग अलग दे रखा है देखो यहाँ पे ये ऊपर हो रखा है तो यहाँ पे हाइपोगाइनस कंडीशन होगी सुपीरियर ओवरी बेटा ये थ्री की फॉर्म में दे रखा है इसका मतलब थ्री इन नंबर होगा और फ्यूज होगा सिन होगा कितनी सारी चीजें पता लग रही हैं फॉर्मूले से ही बेटा एंड्रोशियम देखो ये फ्यूज नहीं है आपस में क्योंकि ब्रैकेट नहीं लिखा है बट थ्री प्लस थ्री लिखा है टोटल तो सिक्स हैं लेकिन ये थ्री प्लस थ्री के वॉल में आप भी देखेंगे कैसे बेटा ये किससे जुड़ा हुआ है ये जुड़ा हुआ है मैक्सिमम देखो इनके अंदर कैलिक्स और कोरोला अलग अलग नहीं होते बेटा इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ पेरियां होता है तो यहाँ पे सी और के नहीं है उसकी जगह पे पी है वो भी देखो कैसे हैं या तो थ्री प्लस थ्री विदाउट फ्यूज होंगे फ्री होंगे या तो बेटा थ्री प्लस थ्री फ्यूज होंगे और जो एंड्रोशियम है ना वो पेरियां से जुड़ा हुआ है इजी था ना अभी देखो यहाँ पे इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि इस प्लांट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा ठीक है बेटा तो यहां पे लिख लेते हैं प्लीज राइट इट डाउन सारे पॉइंट्स को बेटा लिखेंगे जैसे कि मैंने कहा ये लिली फैमिली होती है बेटा इनके अंदर जो मेन फीचर्स बता रही हूं और पेटल्स एक साथ जुड़े होंगे जिनको टेपल बोलते हैं या फिर पेरियंथ बोलते हैं अब बेटा ये पेरियंथ हो सकता है सेपल जैसे हो तो उसको सेपलॉइड बोल सकते हैं हो सकता है पेटल जैसे कलरफुल हो तो इसको पेटलॉइड बोल सकते हैं यानी कि बेटा अगर ग्रीन कलर के हैं तो सेपलॉइड और अगर कलर के हैं अदर देन ग्रीन तो बेटा पेटलॉइड हो गए इन केस ऑफ सेपलॉइड बेटा अनियन एक एग्जांपल होता है और लिली का एक एग्जांपल लिख लेते हैं ठीक है चलो उसके अलावा बेटा ये मैक्सिमम हर्ब्स होते हैं और दीज आर पेरेनियल पेरेनियल प्लांट्स कौन से होते हैं चलो बताओ पेरेनियल प्लांट्स कौन से होते हैं बेटा जल्दी बताएंगे पेरेनियल प्लांट्स कौन से होते हैं पेरेनियल प्लांट्स क्या होते हैं देखो बेटा पेरेनियल प्लांट्स का मतलब है कि वो प्लांट जिसकी लाइफ साइकिल दो साल से ज्यादा है यानी बेटा जब दो साल से ज्यादा बाइनियल होते हैं एनुअल होते हैं तो लाइफ साइकिल जिनकी ज्यादा होती है दो साल से ज्यादा होती है बेटा जो और ग्रो करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं मोर देन टू ईयर्स वाले को पेरीनियल बोलते हैं ठीक है ऑल राइट चलो बेटा उसके बाद मैंने आपको क्या बताया ये पेरिनियल हर्ब्स होते हैं ये बेटा एरियल आपको उस टाइम देखने को भी मिलेगी जिसमें आपको फाइलोक्लोड्स क्लेडोड जैसी चीजें मिलेंगी बेटा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो मेजोरिटी होती हैं दैट इज अंडरग्राउंड स्टेम और इसीलिए तो मैंने आपको एग्जाम्पल अनियन का दिया था गार्लिक का दिया था बेटा जिंजर का दिया था तो जिंजर राइजोम बनाता है इफ़ यू रिमेंबर मैंने इस चैप्टर में पढ़ाया है बहुत अच्छे से पढ़ाया है राइजोम क्या होते हैं कॉम्स क्या होते हैं बल्ब क्या होते हैं ट्यूबर्स बेटा आपके सोलेनेसी फैमिली में था ट्यूबर्स जो था वो पोटैटो में था सोलेनेसी फैमिली था और बेटा बाकी जो सारी चीज़ें आ गई यहाँ पे स्टेम की मॉडिफिकेशन आ गई उसके अलावा बेटा ये एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ दिखाता है बट यूजुअली सेकेंडरी ग्रोथ नहीं दिखाता है क्योंकि मोनोकॉड्स के अंदर बेटा कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है वैस्कुलर बंडल में कैम्बियम नहीं होगा तो बेटा ये सेकेंडरी ग्रोथ नहीं दिखाएगा और किसी किसी में एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ दिखती है ठीक है चलो अब एक एक करके पढ़ते हैं इस प्लांट के बारे में तो बेटा सबसे पहले इसकी हैबिटेट कहाँ ये पाए जाते हैं तो जैसे मैंने कहा कि दीज आर मोस्टली हर्ब्स हर्ब्स की तरह पाए जाते हैं बेटा कुछ कुछ क्लाइंबर्स भी होते हैं अभी मैं आपको बताऊंगी कि कुछ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं बेटा जिसका लीफ का टिप क्लाइम करने लग जाता है बेटा कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिसका जो क्या बोल दू मैं उसको स्टिप्यूल्स होते हैं ना वो क्लाइंबर बन जाते हैं ठीक है तो बेटा ये होते हैं तो दे कैन बी क्लाइंबर्स दे हैव एबनॉर्मल ग्रोथ एग्जाम्पल यू का आप लिख लो यहाँ पे सेकेंडरी जो ग्रोथ है बेटा वो एबनॉर्मल होती है इन केस ऑफ यू का प्लांट एंड ड्रेसिना कोई मुझको बता सकता है यूका का बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है बेटा चलो कोई बात नहीं यूका में एक ऑब्लिगेट टाइप की पॉलिनेशन होती है इसी यूका के अंदर क्या होता है पॉलीनेशन में बेटा आपके जो इंसेक्ट्स आते हैं वो वहाँ पे आते हैं और अपने अंडे दे देते हैं तो उसको एक शेल्टर मिल जाता है कि वहाँ पे वो अपने आप अपने प्रोजनी को ग्रो कर आएगा एंड एट द सेम टाइम बेटा क्या होता है वहाँ पे एक और चीज़ हो जाती है कि पॉलीनेशन हो जाती है वो इंसेक्ट बार बार आ रहा है तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यूका ठीक है बेटा इट हैज़ एन सिम्बायोटिक ऑब्लीगेट रिलेशनशिप कि सिम्बायोटिक तो है एक दूसरे की मदद कर रहा है और उसके बिना भी नहीं हो सकता है चलो बेटा तो ये हो गई हैबिटेट की बात अभी आ जाते हैं रूट्स पे तो जैसे मैंने आपको बोला इनके रूट्स और स्टेम कैसे होते हैं तो हैव अंडरग्राउंड स्टेम्स अभी अंडरग्राउंड स्टेम हो सकती है लेकिन roots की बात हो रही है यहाँ पे तो बेटा रूट यहाँ पे देखने को मिलती है कैसी देखने को मिलती है फाइब्रस देखने को मिलती है यानी कि बेटा अगर ये स्टेम है तो स्टेम के बेस से ऐसे गुच्छे में निकलती हैं ऐसे क्लस्टर्स में निकलती हैं और उसको बेटा क्या बोलते हैं फाइब्रस रूट्स बोलते हैं fasciculated root example asparagus बेटा इनका जो बेस होता है वो कई बार स्वेल हो जाता है बेस जो है दे हैव सोलन बेस ऑफ रूट्स इट्स स्वेलन सोलन होता है तो ऑब्वियसली इन में से बेटा एडवेंटिशियस रूट्स भी निकलती हैं जो इनका बेस अच्छा 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 एक मिनट रुको 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 रुक, मैं आपको बताती हूँ मैं आपको बताती हूँ मैंने आपको बोला कि इनके स्टेम के बेस में से रूट्स निकल रही हैं ठीक है तो बेटा एडवेंटी रूट्स होगी कि नहीं होगी इनके पास एडवेंटी रूट्स होगी कि नहीं होगी मैंने आपको बोला अनियन मैंने आपको बोला बेटा बल्ब होते हैं अनियन और मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में कि अनियन इस तरीके से बल्ब बना लेता है यहाँ पे इसकी रिड्यूस स्टेम है और बेटा इसी में से आपके जो बर्ड्स निकलते हैं उसमें से न्यू रूट और न्यू शूट निकलेगा तो बेटा जो कहीं और से निकलती है रूट रेडिकल के अलावा कहीं और से निकलती है तो उसको एडवेंटी बोलेंगे तो बेटा यहाँ अच्छा, आप स्टेम पे आ जाओ बेटा स्टेम स्टेम इसकी कैसे होगी तो देखो इनके पास एरियल स्टेम भी होती है और बेटा इनके पास अंडरग्राउंड स्टेम भी होती है और ये स्टेम फर्दर मॉडिफिकेशन भी दिखाती है अंडरग्राउंड स्टेम की जैसे मैंने बोल दिया बल्ब फिर से एग्जाम्पल लिख लेती बेटा आपने प्याज देखा है एलियम सीपा दिस इज द रिड्यूस स्टेम डिस्क शेप जो बेटा हम खाते हैं वो स्केली लीव्स खाते हैं जो फ्लैशी होते हैं उसको हम खाते हैं उसके अलावा बेटा इसके अंदर से आपने देखा होगा बर्ड्स निकलती हैं तो कभी कभी ऐसे ऊपर तक पहुंच जाती हैं तो बेटा ये में मदद करती हैं ये मॉडिफिकेशन में मदद करता है उसके अलावा बेटा राइजोम जिंजर बेटा कॉम्स एग्जाम्पल कोलोकेशिया सिर्फ डिफरेंस इतना है मैं ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा चुकी हूं जो जिंजर होगा आपका हॉरिजॉन्टल ग्रो करता है ब्रांच्ड होता है और बेटा कॉम जो होता है सर्कुलर नोड्स वाला जो होता है बेटा ये क्या होगा नोड्स अंडरग्राउंड है तो भाई स्टेम ही तो होगी स्टेम में ही तो नोड्स होते हैं तो बेटा ये जो होता है वर्टिकल होता है और किस तरीके से आपको दिखाएगा यहाँ पे दिखेगा वर्टिकल एंड इट इज अम ठीक है चलो उसके बाद इफ आई टॉक अबाउट द एरियल स्टेम्स तो एरियल स्टेम में भी मॉडिफिकेशन होती है बेटा कौन कौन से बच्चे जानते हैं बट एक चीज याद रखो यहां पे एक चीज बेटा यहां पे याद रखो कि जो मैंने आपको बोला कि एरियल स्टेम कैसी होती है ये नॉर्मल मतलब कॉमन नहीं होती ज्यादातर यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन होती है दैट इज अंडरग्राउंड और एरियल कम प्लांट्स में होती है ओनली इन सम प्लांट्स अच्छा ये कैसी मॉडिफिकेशन दिखाता है जैसे फाइलोक्लेट बेटा फाइलोक्लेड याद है सबको जो स्टेम है वो ऐसे फ्लैशी सा हो जाता है जैसे हमने ओपनशिया में किया था फ्लैशी सा हो जाता है और बेटा इसके अंदर फोटो पिगमेंट्स आ जाते हैं जिसकी वजह से फोटो कराता है इसी टाइप की चीज अगर ब्रांचेस में होगी स्टेम की तो बेटा उसको क्लेडोड बोलते हैं एग्जाम्पल फ्लैलोकेट करो रस्कस और बेटा क्लेडोड का एग्जाम्पल लिख लो एस्पैरिगस क्लेडोड का एग्जांपल लिख लो एस्पैरागस लिख लो मेनली अंडरग्राउंड होती है तो ये रहे सारे स्टेम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ठीक है चलो अभी लीव्स पे आ जाओ अभी लीव्स कैसे होंगे देखो बेटा तो लीव्स इसके ऑब्वियसली एरियल स्टेम्स के पास एरियल लीव्स होंगे नाउ ये जो एरियल लीव्स होते हैं कॉलीन इन नेचर होते हैं अब आप बोलोगे मैम कॉलीन आपने बताया नहीं बेटा दिस इज लीव्स Sa तो ये तो बताया ना मैंने आपको बेटा कुछ लीव होते हैं हमारे जैसे कुछ पेडिसिलेट फ्लावर्स होते हैं ससाइल फ्लावर्स हैं यानी जिसमें पेडिसिल नहीं है सिमिलरली बेटा कुछ लीव होते हैं ए पेटियोलेट होते हैं जिसमें पेटियोल नहीं है या फिर बेटा ससाइल लीव्स हैं जिसमें पेटियोल नहीं है पेटियोल है तो इसके अंदर नो पेटियोल तो बेटा उसको कॉलिन बोलते हैं ठीक है अच्छा ये लीव्स कैसे होते हैं दीज हैव वेनेशन पैरेलल वेनेशन होगा क्योंकि हम मोनोकॉड्स होंगे इसके अंदर बेटा दीज आर मोनोकॉड तो दे हैव हाँ हैल वेनेशन किस किसमें देखने को मिलता है लिख लो बेटा रेटिकुलेट अगर आपको ये इंफॉर्मेशन हर जगह से नहीं मिलती है तो लिख लो रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलती है स्माइलैक्स और बेटा ग्लोरियोसा ग्लोरियोसा और स्माइलैक्स देखने को मिलती है रेटिकुलेट वेनेशन उसके अलावा बेटा मैंने आपको बोला था ना ये क्लाइंबिंग में मदद करते हैं तो क्लाइंबिंग में मैं कैसे मदद करते हैं ये जो स्माइलैक्स होते हैं ना इनके पास टिप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं तो दीज आर फ्लावर्स प्लांट्स हैं है ना वहाँ पे लीव्स के नीचे छोटे 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 लीव्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं एक्सेस में बेटा उसको स्टिप्य बोलते हैं और जो ये आपका है ना ग्लोरीओसा है बेटा इसका लीफ का जो टिप है तो इसका लीव का टिप और इसका बेटा ये ये दोनों साथ ये दोनों अपने अपने प्लांट्स के अंदर टेंड्रल्स बनाते हैं जो इनको क्लाइंब सपोर्ट करने में मदद करता है समझ आ गया तो ये बेटा आपकी लीव्स हो, हो गई प्लीज राइट इट डाउन लीव्स में बेटा कॉलिन होते हैं ससाइल होते हैं यानी इनके अंदर पेटियोल नहीं होता बेटा इनके पास ट्रिप्य हो सकता है एग्जाम्पल स्म उसमें वो टेंड्रिल को कन्वर्ट हो जाता है ग्लोरियोसा में बेटा लीफ के टिप्स टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड दीस नॉर्मली हैव पैरेलल वनेशन एक्सेप्ट दीस टू ठीक है चलो अभी इसका इनफ्लोरेसेंस कैसे होगा तो बेटा यहां पे लिखा है कंपाउंड रेसमोस एंड इफ यू रिमेंबर रेसमोस ऐसे होता है ये आगे बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा ये यह बेटा यहां पे नहीं आएगा यहां पे नहीं आएगा तो ये आगे बढ़ता रहेगा इसको रेसमोस बोलेंगे बट अभी यहां पे बोला है कंपाउंड रेसमोस तो बेटा कंपाउंड रेसमोस कैसे हो सकता है इस तरीके से हो सकता है ठीक है यहाँ पे ये यह कंपाउंड प्रेजेंट होंगे सिंगल प्रेजेंट नहीं होंगे ठीक है एग्जाम्पल यू का एन ड्रेसिना Right, बेटा आपको अलग अलग टाइम को देखने को मिलता है यहाँ पे बहुत सारे आपको पढ़ने नहीं है। है, है, जो आपको पढ़ना जरूरी है, और बेटा बेटा? क्या होता है, इस कंडीशन में एक तो ये साइमोस है तो साइमोस में क्या होता है बेटा टिप में एक प्रेजेंट होता है एक्सिल में ऊपर मतलब जो आपका जो लॉन्ग रैकिस जा रहा है या ब्रांच जा रहा है या कुछ भी जा रहा है बेटा उसके टिप में प्रेजेंट होनी चाहिए नाउ जिसमें से बेटा कॉमन पार्ट में से पेडिसिल निकलता है ये जो पेडिसिल कॉमन पार्ट से निकलेगी अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो इस कॉमन पॉइंट से हर फ्लावर की अलग अलग पेडिसल निकलेगी बेटा इसको बोलते हैं अंबल और क्योंकि टिप्स में प्रेजेंट आएंगे सबसे जो आ, ओल्डर होंगे वो टिप्स में होंगे यहां पे पुराने, पुराने होंगे तो बेटा इसको बोलेंगे साइमोस अम्बल एग्जाम्पल अनियन एंड गार्लिक स्पैंडिक्स कैसे होता है देखो मैं आपको बताती हूँ पीस लिली का फ्लावर देखा इस तरह ये तो ज्यादा कर्व हो गया बेटा मैं आपको बताती हूँ जैसे ये पीस लिली का एक इस तरीके से होता है इनके पास क्या होता है एक लॉन्ग सी दे हैव अ लॉन्ग फ्लैशी स्टॉक बेटा मैंने क्या बोला इनके पास एक लॉन्ग फ्लैशी एक्सेस होता है और उसमें छोटे 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 माइन्यूट फ्लावर पूरे में ऐसे आसपास घूमे होते हैं छोटे छोटे फ्लावर इसके आसपास घूमे होते हैं बेटा और ये जो स्ट्रक्चर है ना जो ये कवर करता है अगर आप कभी देखो अभी देखो सर्च करो पीस लिली सर्च करो बेटा व्हाइट कलर का एक पत्ता सा आएगा उसमें ग्रीन कलर का स्टॉक जैसा होगा उसमें सारे फ्लावर्स होंगे तो बेटा इसको बोलते हैं स्पैथी जो इसको पूरा कवर करता है और ये क्या है ये फर्टाइल है क्योंकि इसके अंदर फ्लावर प्रेजेंट है तो बेटा यहाँ पे इस तरीके की देखने को मिलती है और दूसरी मैंने आपको बता दी नाउ लेट्स मूव ऑन टू फ्लावर्स अभी इसके फ्लावर्स कैसे होते हैं ज़रा देखो तो बेटा अभी हमने बात की थी फ्लोरल डाइग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो फ्लावर के बारे में बताता है कि कैसा है तो डू यू रिमेंबर बेटा कि फ्लावर जो था वो ब्रैक्टिएट था इनके पास ब्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे यानी कि बेटा इनमें एंड्रोशियम भी होगा गायनोशियम भी होगा इनके अंदर बेटा एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री देखने को मिलती है तो अगर ब्रैक्ट है तो इसको इस तरह से लिखेंगे बेटा अगर दोनों प्रेजेंट है तो ये ऐसे हो जाएगा और अगर एक्टिनोमॉर्फिक है तो इस तरीके से हो जाएगा उसके अलावा बेटा यहां पे हाइपोगाइनस ओवरी देखने को मिलेगी हाइपोगाइनस फ्लावर्स होंगे हाइपोगाइनस फ्लावर होंगे बेटा ओवरी ऊपर होगी थैलेमस नीचे होगा ओवरी ऊपर है थैलेमस के ठीक है तो ये बेटा कौन से हो गए हाइपोगाइनस फ्लावर हो गए बेटा दीज आर ट्राइमेरस दो दो तीन तीन, तीन के वॉल में प्रेजेंट होंगे तीन तीन के ग्रुप में प्रेजेंट होंगे ट्राइमेरस फ्लावर्स होंगे तीन पेटल्स किसी किसी में टेट्रामेरस देखने को मिलता है हेक्सामेरस देखने को मिलता है लेकिन वो तीन और तीन के ग्रुप में होते हैं उसके अलावा बेटा अगर आपके अंदर एक्टिनोमॉर्फिक है हाइपोगाइनस बेटा हाइपोगाइनस के अंदर आपकी सुपीरियर ओवरी होगी कि नहीं ओवरी ऊपर अलग से कि सुपीरियर होगी हिडन नहीं होगी यहाँ पे बेटा एपी कंडीशन देखने को मिलती है एपी कंडीशन को देखने को मिलती है बेटा जो आपका एपी कंडीशन है यहाँ पे फ्यूज होता है आपका एक तो पेरियांथ है और एक बेटा आपका पेरियांथ क्यों है क्योंकि कैलिक्स और कोरोला एक साथ है कैलिक्स और कॉरला एक साथ है बेटा वो फ्यूज हो सकते हैं उसके अलावा देखो यहाँ पे और फ्लावर के क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं बेटा ये कुछ कुछ एपी पटालिस भी हो सकते हैं कुछ कुछ एपी पटालिस भी हो सकते हैं यानी कि पेटल से चिपके हुए एंथस हो सकते हैं ठीक है चलो अब यहाँ पे देखते हैं कि इस फ्लावर के अंदर मेन जो तीन पार्ट्स हैं हमको कैसे पढ़ने हैं बेटा कैलिक्स और कॉरेला कैसे होगा जिसको मैं पेरियंथ बोलूँगी बेटा एंड्रोशियम कैसा होगा और बेटा गायनोशियम कैसा होगा तो पेरियां होता है इसके अंदर तो पी लगा देते हैं यहाँ पे पी लगा देते हैं और ये बेटा सिक्स इन नंबर होगा एंड दीज आर पॉलीफाइलस मैनी मैनी पेरियां मिलेंगे आपको दीज आर सिक्स इन नंबर और ये सिक्स अगर नंबर में प्रेजेंट हैं तो ये तीन तीन के वल्ड में बटे होंगे तीन तीन के वर्ल्ड में बटे होंगे बेटा इनके पास वेलवेट भी होती है और इम्ब्रिकेट भी देखने को मिलती है वेलवेट इस तरीके से थी और बेटा इम्रिकेट में क्या होता था वन इज कम्प्लीटली आउट वन इज कम्प्लीटली इन और बाकी जो थे वो एक बंदर एक बाहर इस तरीके से था बेटा यहाँ पे आपको गैमो पेटेलस कंडीशन देखने को मिलेगी अगर यहां पे मेनी पेटल्स होंगे अगर बेटा पॉली पेटेल कंडीशन देखने को मिलेंगी तो वो फ्यूज होंगे यानी कि गैमो होंगे ठीक है चलो अगला आ जाता है आपका एंड्रोशियम और गाइनोशियम तो बेटा एंड्रोशियम इसके अंदर सिक्स में होता है ठीक है किसमें होता है बेटा एंड्रोशियम इसमें नंबर होता है अगेन थ्री प्लस थ्री के वर्ल्ड में होगा बेटा ये फ्री भी हो सकते हैं इंट्रोर्स होते हैं बट ज्यादातर ये जुड़े हुए होते हैं पेरियान से दीज आर फ्यूज विद पेरियंथ तो क्या होगा एपी आएगा और पेटैलिस नहीं आएगा नहीं आएगा पेरिया से जुड़ा है तो बेटा आ जाएगा एपी फाइलेस कंडीशन इंट्रोर्स यानी कि जो इनके एंथर अंदर की तरफ फ्लावर को फेस कर रहे हैं और बेटा ये क्या होंगे बेसी फिक्स हो सकते हैं बेसी फिक्स में नीचे बेस पे से प्रेजेंट आता है फिलामेंट बेटा ये वर्सेटाइल हो सकता है वर्सिटाइल याद है ऐसे एक दो एंथर है बेटा ऐसे झूल रहा होता है अंतर ऐसे स्विंग कर पाता है इजीली तो वर्सी टाइल भी देखने को मिलेगा अगर मैं गायनोशियम की बात करूंगी इफ आई टॉक अबाउट गायनोशियम तो बेटा पॉइंट्स लिख रहे हैं सारे बच्चे प्लीज राइट डाउन द पॉइंट्स पॉइंट्स लिखना बहुत जरूरी है नहीं तो फिर एनसीआर में थोड़े से दे रखे हैं आप कंफ्यूज हो जाओगे ठीक है बेटा गाइनोशियम यहां पे कैसे होगा इनके पास तीन होगा ये बेटा फ्यूज होंगे अगर फ्यूज हो गए तो सिन कार्पस कंडीशन हो जाएगी लोक्यूल्स बेटा भी ट्राई होंगे ट्राई लोक्यूलर होंगे उसके बाद इनके अंदर एक्साइल प्लासेंटेशन देखने को मिलेगी एग्जाइल प्लासेंटेशन को देखने को मिलेगी और बेटा हाइपोगा तो हमने देखा था कि सुपीरियर ओवरी है हाइपोगा तो क्या था हाइपोगाइनस्था तो बेटा सुपीरियर ओवरी थी थी नहीं चलो अभी क्या रह गया फ्रूट रह गया तो बेटा फ्रूट तो इनका कैप्सूल भी हो सकता है अन्य ने कैप्सूल ही तो है और बेटा बेरी भी हो सकता है बेरी आपको लिली में देखने को मिलता है सीड्स बेटा क्योंकि ये मोनोकॉड्स होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये मोनोकॉड्स होते हैं तो बेटा एक चीज याद रखो मोनोकॉड्स के अंदर सिंगल कोटी लीडन होता है और जब मोनोकॉड्स एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो बेटा क्योंकि आगे जाके इनको कोटिलीडन वेल डिफाइन नहीं मिलता तो ये एंडोस्पर्म को रिटेन कर लेते हैं एंडोस्पर्म को बेटा रिटेन कर लेते हैं वेयर एज इन केस ऑफ डाइकॉड उसपे बेटा कोटिलीडन मोटे मोटे होते हैं उसमें फूड मटेरियल होता है और एंडोस्पर्म सारा का सारा यूज हो जाता है तो इनको एल्ब्यूमेनस भी बोलते हैं एलब्यू मैंने सीड्स भी कहते हैं ठीक है चलो अभी इससे पहले इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखने से पहले इसका ये यहाँ पे फ्लोरल फिर से देख लो यहाँ पे फ्लोरल फॉर्मूला जो मैंने आपको समझाया था अभी आपको समझ आ जाएगा देखो बाहर से शुरू करेंगे ब्रैक्ट प्रेजेंट थे बेटा है बाइसेक्सुअल है थ्री प्लस थ्री थे बट फ्यूज नहीं थे ये पूरा, का पूरा बेटा फ्यूज, है? फ्यूज भी हो सकते हैं और बेटा इस तरीके से भी हो सकते हैं उसके अलावा गाइनोशियम आपका ये बाहर से ऊपर है विच इज सुपीरियर ओवरी और बेटा तीन है जो आपस में फ्यूज रहते हैं तो बेटा थ्री हो गया ऑल राइट अभी देखो यहाँ पे यहाँ पे बेटा हमको क्या देखने को मिल रहा है कि अब एक कंडीशन है तो आपने यहाँ कंडीशन बता दी बेटा ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है दिस इज प्लेसेंटेशन अब हम बाहर से अंदर आते जाते हैं तो जैसा बेटा मैंने आपको बताया था कि जो पेरियां ये ब्रैक्ट हो गए आपके जो पेरियां है बेटा उससे ये कवर हो रहा है आपका एंड्रोशियम तो देखो बेटा ये फ्यूज दिखा रहा है इसके अंदर ये इससे फ्यूज दिखा रहा है और ये तीन और तीन के वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं तो बेटा देखो यहाँ पे ये तीन पहले पीछे हैं और तीन आगे अलग से वर्ल्ड में प्रेजेंट है दिस इज अंगल पेरियान जिसमें कैलिक्स और सेपल इनका एक होता है ठीक है फ्लोरल डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे बेटा ये हम तब करेंगे जब आपको प्रॉपर अच्छे से फीचर आ जाएंगे तीनों फैमिली को फिर रिवाइज करने के लिए हम फ्लोरल फॉर्मूला और सिर्फ फ्लोरल डायग्राम रिवाइज करेंगे एक बार जब तीनों फैमिली के सारे कैक्टरिस्टिस्ट कंप्लीट हो जाते हैं देन विल डिस्कस द फॉरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम अभी देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा ये है इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखो अब कितने सारे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है बेटा ये फूड की तरह काम आता है खाने में काम आता है ना जैसे अनियन हो गया आपका एलियम सीपा बोलते हैं बेटा अनियन में देखा है ना मिर्ची लगती है आंख में और जो उसका ओडर होता है वो फोल ओडर किसकी वजह से आता है बिकॉज इट हैज सल्फर एलाइल सल्फाइड इसकी वजह से आता है बेटा गार्लिक को बोलते हैं एलियम सैटिवम एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर इसके अंदर भी सल्फर कंटेनिंग सब्सटेंसेस हैं बेटा एस एलाइल सिस्टीन सल्फोक्साइड सैक्स एस्पैरगस के अंदर फैसिकुलेटेड रूट्स थे इनको हम बेटा ये स्वेल हो जाते हैं एंड यू एडिबल होते हैं दीज आर एडिबल बेटा आपके पास आ गया रोजिया विच आर द फ्रूट्स रिटन एज वेजिटेबल्स All right, ये भी आपका है तो इन सब को हम खा सकते हैं देखो बेटा कुछ इसकी मेडिसिनल uh, प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी देखो कुछ कुछ बेटा यूरिनरी ट्रबल्स में काम आता है कोई ट्रैक्ट इंफेक्शन हो गया है uh, में प्रॉब्लम आ रही है बर्निंग हो रही है कुछ भी हो रहा है बेटा ये उसके सीड्स उसमें हेल्प करते हैं जूस ऑफ लीव बेटा यहाँ पे सुदर्शन जो उसका कॉमन नेम है क्रीनम की अगर मैं बात करूं तो इसका जो जूस होता है वो बेटा रियो र्यूम र्यूमेटिजम जैसे अर्थराइटिस पढ़ते हैं ना बेटा अर्थराइटिस पढ़ते हैं तो वैसा ही और ईयर पेन में काम करता है एलोवेरा तो सबको पता है हेयर में स्किन में हेल्थ में हर चीज़ में बेटा हेल्प करता है उसके बाद कुछ कुछ हैं जो पेप्टिक एल्सर यानी कि बेटा स्टमक के एल्सर में हेल्प कर रहा है कुछ आपके पास ऐसे मेडिसिन हैं जो कि रैट किलर हैं बेटा कुछ हार्ट डिजीज और डायबिटीज को हेल्प कर रहा है जैसे ये आपका हो गया ग्लोरियोसा बेटा, बेटा किसमें हेल्प कर रहा है लेप्रोसी एंड पाइल्स में मदद करता है स्नेक बाइट कर गया है पेन हो रहा है स्कॉर्पियो बाइट कर गया वहां पे बर्निंग सेंसेशन होती है बहुत ज्यादा पेन होता है तो उसको रिलीज करने में हेल्प होता है ठीक है उसके अलावा देखो बेटा कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कि ऑर्नामेंटल भी होते हैं ऑर्नामेंटल यानी कि बेटा उनको सजाया जाता है देखो दिस इज़ द ब्यूटिफुल लिली बेटा ट्यूलिप्स ऐसे स्नेक प्लांट्स होते हैं दिस इज द अफ्रीकन लिली तो यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर के नाम दे रखे हैं जो कि बेटा किस में हेल्प करते हैं ये सजाने में हेल्प करते हैं हम अपने घरों में इसको उगाते हैं ताकि हमारा घर सुंदर सुंदर दिखे ठीक है इंडोर प्लांट्स होते हैं ये कुछ कुछ चलो तो बेटा ये हो गए इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अब आपके पास स्क्रीन पे आएंगे दो क्वेज कल बेटा हम फेबीसी फैमिली कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मरा को बनाना सीखेंगे अच्छे से तो आपका होमवर्क ये रहेगा कल के बाद और आज से ही होमवर्क क्यों है क्योंकि बेटा जो दो फैमिलीज़ हो चुकी हैं उसके सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से लर्न करके आने हैं ठीक है नाउ बेटा आपके पास स्क्रीन पे दो क्वेश्चन आएंगे पहला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा आइडेंटिफाई द फैमिली Who, uh, शोस फॉलोइंग डायग्नोस्टिक फीचर्स क्या फीचर्स हैं पेंटा मेरस पाँच वाले फ्लावर कैसे होते हैं बाय कार्पलेरी दो बाय कार्पल होते हैं जो जुड़े होते हैं ओवरी बेटा ओब्लीकली प्लेस्ड होती है प्लासेंटेशन एक्साइल एंड प्लासेंटा स्वलन बेटा प्लासेंटा स्वलन सिर्फ एक ही में होता है अगला देखो सिलेक्ट द पेयर विच कंटेन्स मोनो फैमिली बेटा मोनो कॉटिलिडन फैमिली किसमें होती है आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है क्वेश्चन में सिंपल सा यहाँ पे एक चीज मैं पढ़ा चुकी हूँ। ऑल राइट चलो बेटा पहले का आंसर क्या होगा आपको पता है कि सोलन प्लास तो बेटा सिर्फ सोलन एसी में देखने को मिलता है तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर और दूसरे का आंसर क्या होगा बेटा मैंने आपको लिली एसी पढ़ाया है मोनोकॉट होता है और तो फेबीसी ये सब नहीं दे रखा है ना यहाँ पे आपको ऐसा नहीं दे रखा monocort, तो बेटा पोएसी दिस इज ऑल्सो मोनोकॉर्ट तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ठीक है सो विद दिस आज की क्लास खत्म करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल सी यू अगेन बाय बाय